सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 4 गिनती 51 से 100। बच्चों, आप पहले 5th स्टैंडर्ड में 20 से 50 तक गिनती सीखे हो और आज हम सीखेंगे 51 से 100। आप इंग्लिश में गिनती सीखे हो और हिंदी में भी आप 50 तक सीख चुके हो, तो आज हम 51 से 100 तक सिखाएंगे। आपको पता है हम गिनती क्यों सीखते हैं हिंदी में? क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हमें रुपये पैसों की गिनती करनी पड़ती है, इसलिए हमें गिनती की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस पाठ में 51 से 100 तक के अंकों के उच्चारण और लेखन की जानकारी दी गई है, वो आज हम सीखेंगे। 4 गिनती 51 से 100। मित्रों, अब 51 से 100 तक की गिनती को देखिए और कॉपी में लिखिए। 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92,
बानवे, तिरानवे, तिरानवे, चौरानवे, चौरानवे, पचानवे, पचानवे, छियानवे, छियानवे, सतानवे, सतानवे, अठानवे, अठानवे, नयानवे, नन्यानवे, सौ, सौ। बच्चों, आपको 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाए और आप सीख लिए। अब हम सीखेंगे पेज नंबर 25। देखिए, यहाँ बोल रहा है, भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाइए। ये भोले भैया हैं और इनको कहाँ जाना है, ये साइकिल तक जाना है। ठीक है, तो ये कैसे जाएंगे, ये उच्चारण कराते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे है, और ये शॉर्टकट में जाना है। ठीक है, तो देखिए ये रास्ता यहाँ हुए, 50 पे आए, फिर 50 से इधर से निकले, फिर यहाँ पे कितने पर आए, यहाँ 69 पे आए, फिर यहाँ से वो इस रास्ते से होते हुए वो लास्ट में 100 पर इनका साइकिल है। और ये इस तरह से भोले भैया जो हैं ये वो यहाँ साइकिल तक पहुँच गए। आपको भी ये गिनती को गिनते हुए यहाँ साइकिल तक पहुँचना है। पेज नंबर 26, स्वाध्याय। क्वेश्चन 1, उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 85। तो ये 85 कहाँ पे है, यहाँ ज में है, तो इसलिए यहाँ ज लिखें। ठीक है, फिर ये देखिए क्या है, 73। 73 कहाँ पे है, क में, इसलिए क लिखें। ये क्या है, 69। 69 कहाँ पे है, यहाँ पे है, छ में, इसलिए यहाँ पे छ लिखें। फिर ये क्या है, 56। 56 कहाँ है, ग में, इसलिए ग लिखे। ये क्या है, 99। 99 कहाँ पे है, यहाँ पे ख में, तो यहाँ पे ख लिखे। फिर देखो ये क्या है, 88। 88 कहाँ है, घ में, तो घ में घ लिखे यहाँ पे, ये 88। ठीक है, अब ये देखो क्या है, 76। तो ये कौन से नंबर में है, च में है, तो च लिखे यहाँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी लिख लेना है टेक्स्ट बुक में, और साथ में नोटबुक में भी ये सब, ये स्वाध्याय नोटबुक में भी करना है। अब देखो क्वेश्चन 2, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखो। यहाँ पे शब्दों में और अंकों में लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या, फर्स्ट में है 79, तो यहाँ पे, तो यहाँ 79 लिख दिए। सेकेंड में क्या है, 74, तो ये 74 लिखे। थर्ड में 59, यहाँ पे 59 लिखे। फोर्थ में 63, तो यहाँ 63 लिखे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिफ्थ नंबर में है, ये क्या लिखा हुआ है, 75, तो अब यहाँ पे 75 लिखे। ये क्या है, 90, तो यहाँ 90 लिखे। 54, 54। फिर 8 नंबर में है 89, तो यहाँ 89 लिखे। तो इसी तरह से आपको भी ये टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में करना है। पेज नंबर 27, क्वेश्चन 3, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे लिखा है, ब्लैंक में जो लिखना है वो यहाँ दिया है, उसको चुनना है और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फर्स्ट है, ब्लैंक 30 वर्ष का है, कौन है, तो वह 30 वर्ष का है। सेकेंड में, पता नहीं ब्लैंक दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, कौन, तो पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। थर्ड नंबर में है,
पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। फोर्थ नंबर ब्लैंक, सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या मैच होगा, यहाँ पे होगा हम, तो होगा हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। फिफ्थ में है रविवार को ब्लैंक बाजार जाऊंगा, रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन फोर, यहाँ पे देखिए लिखा है 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पे देखो ऐसे नंबर लिखा हुआ है, तो जब हम ये नंबर को मिलाएंगे तो एक ये चित्र बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 51 से लिखना है, हमको मिलाना है। तो आप यहाँ पे देखो 51 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे 51, 52, 53, 54, फिर 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 171, 172, 173, 174, 175,
एक चिड़िया बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको मिलाना है और इसमें कलर करना है, ठीक है। ये ट्री के कलर को करना, यहाँ लीफ है तो ग्रीन करना और ये ब्राउन करना, और फिर बर्ड को, उसके बर्ड को आप अपने हिसाब से कोई कलर कर लेना अच्छा जो लगता है, ठीक है। फिर पेज नंबर 28 में आप देखो यहाँ पर खेले हम खेल, ये आप लूडो खेलते होगे तो उसमें सांप सीढ़ी आप खेले होगे, तो ये गेम आपको खेलना है, ठीक है। और साथ में नंबर भी बोलते जाना है, गिनती भी बोलते जाना है। फिर पेज नंबर 29 में आप देखो यहाँ लिखा है इतना जानिए, यानी कि यहाँ पे जो कुछ लिखा है उसको आपको जानना है। तो सबसे पहले क्या है, तकिया, तकिया, तकिया आप सोते हो तो तकिया लेते हो ना, वो तकिया। फिर कंघा, यहाँ पे गुजराती लिखा है, वो गुजराती आप खुद से बोलना, ठीक है। तो सेकेंड में है कंघा, कंघा बाल जब हम ठीक करते हैं तो क्या लेते हैं, कंघा। खरल, खल, खल मतलब जब मम्मी खाना बनाती है तो कूटती है मसाले को, वो खरल। फिर चारपाई, चारपाई का मतलब जिसपे सोते हो, चारपाई। उपला, उपला आप देखे हो गाय का जो गोबर होता है उसको गोल गोल करके सुखाया जाता है, उसको उपला बोलते हैं, ठीक है। फिर बरामदा, बरामदा तो आपको पता है घर के आगे में जो आंगन होता है उसको बरामदा बोलते हैं। फिर अलमारी, अलमारी यानी जिसमें कपड़ा रखते हैं उसको अलमारी बोलते हैं। फिर खपरेल, आप देखे होंगे गाँव में घर रहता है तो उसमें खपरेल से छत को बनाया जाता है, छाया जाता है, वो खपरेल। फिर घड़ी, घड़ी तो सब कोई जानता है, घड़ी में टाइम देखते हैं, वो घड़ी। तो ये भी आपको 5 टाइम आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अब ये आपको जानने का है कुछ, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित चीहों को देखिए और समझिए। यहाँ पे कुछ चित्र बना है, चीह है यानी कि ये, तो इसको देखना है और समझना है कि ये क्या बता रहा है, ये चित्र में क्या बोल रहा है। तो आप कहीं भी जाओ अगर इस तरह का चित्र आगे आपको दिखाई दे तो आप समझना वहाँ क्या बोला जा रहा है, आगे बम्प है, यानी कि धीरे गाड़ी चलो, चलाओ, आगे बम्प है। फिर ये वाला जब आप देखते हो कहीं पे, आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हो गाड़ी से तो आप देखे होगे इस तरह का बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ लिखा रहता है अंतरदर्शक माइलस्टोन, ठीक है। वहाँ पे बताया होता है कितना किलोमीटर बाकी है जाना, ये सब कुछ इस तरह के बोर्ड में लिखा होता है। फिर आप देखो ये वाला है, ये चित्र जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा समझ जाने का होगा कि यहाँ पे लिखा है रेलवे फाटक। फिर आप ये चित्र को देख के तो समझ में आ जाता होगा कि ये चित्र का मतलब है खतरा,
ठीक है। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा जानने का है, इसलिए ये चित्र देखकर हम पता लगा सकते हैं बिना ये लिखे इसको पढ़े हुए कि ये चित्र के जब दिया है तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जानना है, और जो कुछ भी आगे बताए वो सब कुछ गिनती आपको आपके नोटबुक में 5 टाइम बोल बोल के लिखना है कि लर्न हो जाए। ओके।